नमस्कार दोस्तों, YouTube के मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर के अपकमिंग रिजल्ट के बारे में। चूँकि कल यानी कि 20 मई को टाटा मोटर का रिजल्ट आने वाले हैं और इस दरमियान मैं ये वीडियो आप सबके लिए लेकर आया हूं। चूँकि टाटा मोटर में मोतीलाल ओसवाल ने एक गिरावट के अनुमान लगाई हुई है उसके रिजल्ट में, और यदि रिजल्ट में गिरावट देखने को मिलती है तो कल इसके प्राइस में भी आपको जोरदार गिरावट देखने को मिल सकती है। तो आज का ये पूरा वीडियो टाटा मोटर के रिजल्ट पे ही डिपेंड है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे ढेर सारे वीडियो पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि समेकित राजस्व में 1.6% ईयरली बेसिस पे और 16.6% क्वार्टरली बेसिस पे गिरावट का अनुमान है। इसके इविटा मार्जिन के साथ 180 बीपीएस ईयरली बेसिस पे 10.1% का अनुबंध है। मोतीलाल ओसवाल को उम्मीद है कि जीएलआर की मात्रा में 1.6% की कमी, 14% QOX धीमी मांग और चीन में खरीदारी में गिरावट से प्रभावित है। मोतीलाल ओसवाल को उम्मीद है कि पैट 440 करोड़ रुपए में समायोजित किया जाएगा। यदि ऐसा न्यूज रहा और ऐसा ही रिजल्ट आया तो आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि टाटा मोटर में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो बाई या सेल करने से पहले एक बार इस स्टॉक के बारे में आप फिर से सोच विचार कर लें, और यदि ये गिरावट आपको देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छे बाई लेवल मिल जाएंगे। चूँकि टाटा मोटर में यदि हम बात करें 52 वीक लो और हाई रेंज की, तो 129 रुपये इसका लो है और 319.50 रुपये इसका 52 वीक हाई है। यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने 195 रुपये का टारगेट भी दिया है, यानी कि इसमें यदि और गिरावट देखने को मिलती है, करंट प्राइस 176 रुपये से ये टारगेट दिया हुआ है, बट इसमें यदि और गिरावट देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छे खासे रिटर्न इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, यदि आपने ये स्टॉक पहले से वॉच किया है तो एक बार फिर से इसे वॉच लिस्ट में डालें। और टाटा मोटर चूँकि एक अच्छी खासी कंपनी है और चूँकि इलेक्शन का रिजल्ट बहुत जल्द अब आने वाला है, और यदि रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में रहा और सरकार यदि बीजेपी की बनने वाली है तो वाकई में आपको बहुत जल्द इसमें एक अच्छे खासे स्टॉक में ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। और 195 का जैसा कि मोतीलाल ओसवाल ने टारगेट दिया है, बहुत जल्द अचीव हो जाएगा। यदि 176 से कम पे यदि आप बाई करते हैं तो एक अच्छे खासे रिटर्न आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा, यानी कि 1 वीक से अंदर ही आपको ये रिजल्ट भी बुक हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक ज़ोरदार सिचुएशन बन रहा है अच्छे खासे रिटर्न के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आप सबको पसंद आया हो। यदि पसंद आया हो तो कृपया लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें, और सब्सक्राइब तो कर ही लें बिकॉज ऐसे ढेर सारे वीडियो इस चैनल पर आने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।